तो आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है बच्चे, वो चलेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या करेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन किस चीज की? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। हाउ वी विल डिफाइन मल्टीप्लीकेशन? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 5 with 3 व्हाट यू विल गेट? एवरीवन, सॉरी, यस वी गॉट फिफ्टीन। बहुत अच्छे। जब आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो बिल्कुल आपको इसमें क्या मिलता है? 15 क्या मिलता है? आंसर मिलता है। बट जब हम इनको आगे लेके जाए, ठीक, अभी शुरू करेंगे हम इसको कि आगे कैसे मूव करते हैं ये, या किस तरह से हम इनको आगे नेक्स्ट फॉर्मेशन में मूव करते हैं। तो जब हम इनको आगे लेके जाते हैं तो वी गॉट 15। बट जब आपने बच्चे एक्स को विद मल्टीप्लाई करना हो वाई के, देखिए एक्स इज डिफरेंट टर्म, वाई इज डिफरेंट टर्म्स। तो जब आप डिफरेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास सिंपली क्या लिखा जाएगा? एक्स वाई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एक्स वाई। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग सेम टर्म, जैसे एक्स इंटू एक्स, तो वो फिर क्या लिखा जाएगा आपके पास? वन पावर दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर। व्हेन यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर, तो वो क्या लिखा जाएगा? जिनके बेस सेम होते हैं बच्चे, उनकी पावर्स क्या हो जाती? ऐड हो जाती। व्हेन यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद वाई, तो ये क्या लिखा जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखा जाएगा? वाई लिखा जाएगा। तो ऐसी हमारे पास मैनेजमेंट, या हम इस तरह की मैनेजमेंट इनको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, जिनको हम इस तरह से क्या करेंगे? लिखें। तो बिल्कुल सेम वे में अब अगर कोई आपसे पूछे कि आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई 5x विद -13xyz, तो व्हाट यू विल राइट? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, 5 × -13। यू विल मल्टीप्लाई कॉफिशियंट विद कॉफिशियंट्स, तो आप कॉफिशियंट्स को कॉफिशियंट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 × -13, तो इट विल बी -65। नेक्स्ट देखिए, एक्स एंड एक्स दे आर लाइक टर्म, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, एंड रिमेनिंग वाई एंड जेड कम्स एज दिस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। क्या डिफाइन करते हैं इसको? मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9y व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3y2। प्लीज सभी बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सिंपल सा आंसर होगा 170 × 9 × 30 × y³। वेरी गुड, ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ इफ वी डिफाइन द मल्टीप्लीकेशन लाइक 4x × 5y × 7z, व्हाट यू विल राइट? अब देखिए क्या होगा,
कॉफिशेंट्स कॉफिशेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, देखिए क्या होगा, 4 × 5 × 7 सभी को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 4 × 5 × 7 20, 20 × 7 140, पहले तो कॉफिशेंट मल्टीप्लाई हुए, देन x into y into z, it becomes x, y and z. तो this is your answer, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, define करेंगे, या जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये हमारे पास questions बन रहा है, या इस तरह के questions को हम define करें. Got my point? तो ये हम आगे करें. Yes, Divya. So, वहां पे जब 9y × 13y² था वहां पे, पर आंसर में 117y³ क्यों लिखा आपने? बच्चे देखिए, ये y है ना सिंगल, इसकी पावर क्या है, 1, और यहाँ पे y की पावर क्या है, 2. तो जब आप y पावर 1 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, y क्यूब आ जाएगा. पता चला? यस सर. तो ये भी हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. अब एक और क्वेश्चन सिंपल सा आपके साथ कर रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व इट. ये मल्टीप्लीकेशन चल रही है बच्चे, फिर हम बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अभी छोटी छोटी. 4xy 5x² y² × 6x³ y³, हाउ वी विल डिफाइन. हाँ अनन्या, कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चे पहले? सर, सबसे पहले तो सर हमें 4xy को 5xy से मल्टीप्लाई करना होगा. बच्चे पहले हम करते हैं कॉन्स्टेंट्स को, 4 × 5 × 6, तो ये क्या होता है, 4 × 5 = 20, 20 × 6 = 120. वेरी गुड. अब हम देखते हैं व्हाट आर द लाइक टर्म्स. अब अगर आप लाइक टर्म्स को चेक करेंगे तो यू विल फाइंड यहाँ पे x² and x³, तो ये हो जाएगा x^6. वेरी गुड. अब अगर हम नेक्स्ट में चलें, y² and y³, इट अगेन बिकम्स y^6. दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. Got it? तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है ना, सिंपल सी बात. तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक, कि किस तरह से इनको मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से क्या करना है, सिंपल सा आंसर देना. अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि व्हेन आई मल्टीप्लाई 4xy with 7z, व्हाट इज माई आंसर. सभी बोल के बताएंगे. 24xyz. Very good. 28xyz. This is our answer. और आई थिंक आप सब ने इसको बड़े अच्छे तरीके से क्या कर लिया होगा, इजी वे से क्या कर लिया होगा, फाइंड आउट कर लिया होगा, क्योंकि ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं. अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, 5y 7z × 4x. एवरीबॉडी सर, 140
वाई जेड एंड एक्स। ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, जिसको हम यहां पे क्या कर देते हैं बच्चे, डिफाइन कर देते हैं, है ना, इजी। अच्छा, यू कैन राइट इट आल्सो एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं, आपने वाई जेड एट एक्स लिखना है, आप इसको एक्स वाई जेड के साथ भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते, गॉट इट। अब बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, ओके। अच्छा, आप सबको पता होगा बच्चे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, L into B। तो आपके पास ये वैल्यू क्या होती है बच्चे, लेंथ into ब्रेथ। वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, और आपने मेरे को बताना है व्हाट इज द एरिया। ओके, वेरी गुड। मैं डायग्राम बना के दूंगा एंड यू हैव टू टेल मी द एरिया, वन बाय वन पूछूंगा, सॉल्व करते जाइए, एक एक से पूछूंगा। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। तो हाउ वी विल डिस्क्राइब द एरिया, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर वन, सर 28P, सर 28P, वेरी गुड, 28P, बिल्कुल सेम, 4P इनटू 7P, इट बिकम्स 28P स्क्वायर, ओके, नाउ 2P इनटू 2, इट बिकम्स 4p. Now 3x into 4y, it becomes 12xy. हो जाएगा ना, तो this is the way we can solve it. तो इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, start करते हैं। अब मेरा आपसे एक simple सा question है सभी के लिए, what is the answer of this multiplication, everyone, zero, very good, jab hum kisi bhi term ko zero se multiply karenge to we got a zero, okay, similarly if we multiply 4p with minus 7q, what is the answer right now, -28p. बच्चे इसमें ना एक गलती हो जाती है कई बार, 4 एंड माइनस 7 इट बिकम्स माइनस 28 एंड हेयर इज pq, ओके। सिमिलरली व्हेन यू डिफाइंड माइनस 4p विद माइनस 7q, नाउ व्हाट इज द आंसर, एवरीबॉडी, वेरी गुड, देखो वाई वी आर राइटिंग, वेरी गुड, माइनस 4 इंटू माइनस 7 इट बिकम्स 28 एंड दिस इज pq, तो ये 28 क्या हो गया, pq होगा, दिस इज द वे वी आर डिफाइनिंग द क्वेश्चन, है ना, सिंपल से क्वेश्चन, ओके। चलिए अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, अभी पोल आएगा आपके पास, बी रेडी, ओके, यू विल गेट द पोल,
एंड द क्वेश्चन इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद साइड 3 mm एंड 4 npm. ओके नाउ योर एरिया इज आपने बताना है बच्चे 12 mm स्क्वायर ऑप्शन बी 12 mm क्यूब पी 12 mm स्क्वायर npm स्क्वायर और डी 12 mm स्क्वायर npm. How we will find it out? पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया. राइट इट. व्हाट इज योर ऑप्शंस? वेरी गुड. सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे. जल्दी से आंसर कीजिए. एंड चेक योर आंसर. बहुत अच्छे, मजा आया आपको सबका आंसर देख के. ऑप्शन डी इज द राइट वन. ओके हाँ, अब हम चलते हैं कैसे आया ऑप्शन डी. फिर और क्वेश्चंस में आएंगे. इट्स वेरी सिंपल. देखिए 3 × 4 = 12. ओके गॉट इट. एम सिंगल क्वांटिटी है, देयरफॉर एम एन एंड एन इट बिकम्स एन स्क्वायर एंड इट्स पी. ओके तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द ऑप्शंस. तो ऑप्शंस आपके पास इस तरह से क्या है बनने वाले. तो अभी हम नेक्स्ट फॉर्मेशन में जा रहे हैं. आप सबके लिए एक और क्वेश्चन आ रहा है. -9x² y² × -6xy. जल्दी से बहुत अच्छे. -9 and -6 इट बिकम्स 54x³ and y³. दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके बच्चे हैंड्स डाउन कर लिया करो साथ के साथ. आप अगर आपने आंसर दे दिया और आपकी क्वारी सॉर्ट आउट होगी तो साथ के साथ हैंड्स डाउन कर लिया करो. हैंड्स अप करने का मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम है. अगर आपकी क्वारी सॉर्ट आउट होगी हो तो साथ के साथ हैंड्स डाउन कर. वेरी गुड. ओके चलिए ये तो थी बच्चे 2-2 terms की प्रोडक्ट. अब हम चलते हैं कि इफ वी वॉन्ट टू मल्टीप्लाई 3 or 4 terms साइमल्टेनियसली. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सिंपल से है. आज का जो मैं क्वेश्चन रख रहा हूं ये बिल्कुल नियर टू एनसीईआरटी है, या आप कह लीजिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है. मैं आप में से किसी से पूछूंगा, किसी ने हैंड रेज नहीं करना. टेल मी द आंसर. पहले आप कर लीजिए.
Okay, let us start. How you will write it? Hanji. Gauri. Sir, is answer 1024 y raised to the power 6 आएगा. एक बार दोबारा बोलो. 1024 y raised to the power 6. Okay. First of all, multiply 16 with 8, then with 4, then with 2. So you will get 1024. Now we come to the next point, and the next point is y cube, y square, y power 1. So it's very very simple. It becomes y power 6. बहुत अच्छे. जिन भी बच्चों ने, चलिए हो सकता है मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ले ना पाया हूं, बट जिन्होंने भी अपनी कॉपीज पे कर लिया सॉल्व, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. ओके, मेरी तरफ से अपने आप को ऐसे कर लो, ऐसे हल्का सा. इसका मतलब हाँ, यस. नेक्स्ट, एम इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन एंड पी. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म. Yes, Savneet. Sir, the answer is M cube, N square and P. छोटी सी गलती होगी आपसे. So minus M cube. Minus M cube, N into N, square, N square, and P. This is the multiplication of terms. Okay? कितने बच्चों ने ऐसा लिख दिया? Yes करके भेजो जरा मेरे को message में. Very good. बहुत अच्छे. That's great. तो ये आपके बहुत बहुत अच्छे क्या हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करें, सॉल्व करें, या ऐसा कह लीजिए जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करने की क्या करें, कोशिश कर रहे. ठीक, बहुत अच्छे. अब लीजिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन. ठीक, कैसे हम इनको सॉल्व करें. ए पावर 4 इंटू 2a cube into a square by 5 into minus 5a. How we will solve that? Simple सी polynomial में multiplication है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. I think हम इसको बड़े easy way में क्या कर जाएंगे, solve कर जाएंगे. बहुत अच्छे बच्चे. पहली बात तो आपने क्या देखनी, यू विल राइट इट एज 5 एंड 5 कैंसल, इट बिकम्स ए पावर 4 ए क्यूब ए स्क्वायर एंड ए. ओके, 4
3, 7, 2, 9 and 1, 10. तो ये तो आ गया आपके पास a पावर 10. आई थिंक ये तो सबने कर लिया होगा. ठीक, अब आइए 5 and 5 कैंसल, बट व्हाट इज रिमेनिंग? नेगेटिव. ओके, तो 2 into -1 इट बिकम्स -2a पावर 10. अब कितने कैंडिडेट ने ये माइनस लगाया? अब ऑनेस्टली बोलो, कितने कैंडिडेट ने ये सही किया? वेरी गुड. देखो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं. अब देखिए क्या था, व्हाट इज द कोफिशिएंट हियर? हम बड़े सिंपल से कर रहे हैं, कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट अगेन 1 एंड हियर इज -1. तो हमने किनको मल्टीप्लाई करना था? 1 into 2 into 1 into -1. तो ओवरऑल इसका क्या है? -2. तो कई बच्चे सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके छोड़ देते हैं, बट इनको नहीं करते. अब एक क्वेश्चन और आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लगेगा. -2/3 a³ मल्टीप्लाइड 5/4 ab² सॉल्व कीजिए. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंटू दिस 2, नाउ इट बिकम्स 5 एज इट इज, 3 into 2 6, a³ and a it becomes a⁴, b₁ and b², it becomes b³. तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? -5/6 a⁴ and b³. हाँ, अब मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं बच्चे कि जब हम x² को x³ से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं होती? उसका रीजन सुनिए बच्चे, व्हेन बेसेस आर सेम तो उनकी पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती, ये याद रखिए. ठीक है, तो इसी तरह से हम डिवीजन में भी करेंगे, बट ये आपके पास एक सिंपल सा क्या था? फॉर्मेट था. अब आप सभी के लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ए मल्टीप्लाइड बाई 2b मल्टीप्लाइड बाई 3c मल्टीप्लाइड बाई 6abc, व्हाट इज द आंसर? देखिए क्या होता है जब हम इनको ड्राइव करेंगे, बड़ी सिंपल सी चीज के साथ जाना है हमने. देखिए कोफिशिएंट 1,
1 into 2, 2, 2 into 3, 6, 6 into 6, 36. Got it? A, it becomes A square. B square. C, it becomes C square. Got my point? So this is the way we can solve it. 36, A square, B square, and C square. Any doubt? तो ये हमारे एक क्वेश्चन का क्या हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. हो जाएगा ना सबका? यस और नो? यस सर. यस सर. यस सर. वेरी गुड. ये बच्चे बहुत इजी क्वेश्चंस थे. और एक चीज आपने नोट की कि दिस इज मोनोमियल एंड दिस इज मोनोमियल. तो हमने अभी तक क्या किया बच्चे, वी आर मल्टीप्लाइंग मोनोमियल विद मोनोमियल. ओके, तो सिंगल सिंगल टर्म्स थी. अब देखिए एक डिफरेंट, इफ समबडी आस्क यू मल्टीप्लाई 3x विद 2x प्लस 5y, तो आप चेक कीजिए, दिस इज मोनोमियल बट दिस इज बाइनोमियल. तो हम मोनोमियल को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बाइनोमियल के साथ. और बाइनोमियल विद बाइनोमियल, ट्राइनोमियल विद ट्राइनोमियल. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई एनी मोनोमियल विद बाइनोमियल. बड़ा सिंपल सा है, बिल्कुल उसी तरह से मजेदार क्वेश्चन है. देखिए कैसे, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 3x विद 2x प्लस 5y, तो आप क्या करेंगे, 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5y. इजी है ना, 3x को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, 2x, देन 3x को किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5y. अलग अलग कर दिया. नाउ राइट इट डाउन, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, 3x इंटू 5y 15xy. तो व्हाट इज योर ऑप्शंस, आप चेक कर सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 15xy, दिस इज योर आंसर. अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हेन यू मल्टीप्लाई मोनोमियल विद बाइनोमियल व्हाट इज द आंसर, इट्स आंसर इज बाइनोमियल. क्या आंसर होगा बच्चे? बाइनोमियल. जब आप मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज बाइनोमियल. वेरी गुड. अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए, आई होप कि आप इसको बहुत इजीली कर दें. हेयर इज माय क्वेश्चन, ए स्क्वायर 2ab माइनस सी, टेल मी द आंसर. मैं आप में से पूछूंगा किसी को. यस मोइन, मोइन अनम्यूट. हेलो सर. हेलो. हाँ जी सर, यू वांट टू टेल मी द आंसर? नो सर. ओके, अच्छा आपको ये पता चल गया कैसे करना है? यस सर. ओके, मोइन कहाँ से बोल रहे हो? सर यूएई. यूएई में किस स्कूल में पढ़ रहे हो अभी? यस सर. हमारा शायद कॉन्टेक्ट टूट गया. चलिए कोई बात. सो आंसर देना
हाँ जी एनीबडी हाँ यस सर आंसर बोल दीजिए टू ए स्क्वायर बी माइनस सी सॉरी टू ए क्यूब बी माइनस सी ओके तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कैसे हम इसको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद दिस ठीक कैसे हम इसको स्टार्ट करें टू ए स्क्वायर बी देखिए फर्स्ट मल्टीप्लाई ए स्क्वायर विथ टू ए बी इट बिकम्स टू ए स्क्वायर बी देन वी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर विद माइनस सी इट बिकम्स माइनस ए स्क्वायर सी हाँ कितने बच्चों ने कर लिया इसको सॉल्व वेरी गुड सर हियर वी विल नॉट राइट टू ए क्यूब बी माइनस अब देखिए ये जो ए स्क्वायर है ना ये सी के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स ए स्क्वायर सी तो उसी तरह से आपके पास ये क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा ओके लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन आगे चलते हैं बच्चे हम वेरी गुड सेम क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस नाइन सॉरी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय फोर ए Very good. So we can write it as a cube into 4a. It becomes 4a cube. हाँ जी नेक्स्ट आपसे पूछूंगा बी रेडी व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर हेयर एवरीबडी यस एवरीवन वेरी गुड माइनस 36 4 into 9 minus 36A very good minus 36A minus 36A minus 36A this is the answer है ना easy questions अब चलिए एक और question करते easy सा 4p square plus 5p plus 7 multiplied by 3p start कीजिए Here we are multiplying trinomial with monomial. Very good. सॉल्व कीजिए पहले फिर आपकी टर्न आएगी
वेरी गुड, चेक कीजिए बच्चे। देखिए फर्स्ट क्या होगा, 3p इज मल्टीप्लाइड विद 4p स्क्वायर। हां जी, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट टर्म, जस्ट फर्स्ट टर्म का आंसर बताना है। 12p² + 21p। वेरी गुड, 12p³ + 15p² + 21p। यस, नेक्स्ट देखिए, सेकंड टर्म, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इट बिकम्स 15p। ओके, नाउ 3p × 7, यहां p स्क्वायर आएगा बच्चे, इट बिकम्स 21p। किसी को कोई डाउट बच्चे इसमें? है ना इजी क्वेश्चन? तो हेयर वी आर कंप्लीटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल, मोनोमियल विद बाइनोमियल एंड मोनोमियल विद ट्राइनोमियल। बहुत इजी था, आई थिंक आपको लगा ही नहीं होगा कि हम एट्थ क्लास स्टडी कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम सिक्स्थ या सेवन्थ रिपीट कर रहे हैं। ओके, बट अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक, अभी तो चीजें आनी है आगे, और इसमें क्या क्या आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।